मन के बारे में बहुत बोला जाता है कि मन चंचल है, ये वो है, लेकिन एग्जैक्टली अगर बेसिक्स की बात करें कि मन, बुद्धि और अहंकार एग्जैक्टली है क्या, जब हम पैदा हुए जब से लेके अब तक की जो मेमोरी एक्सपीरियंस है वो मन है या एग्जैक्टली पैदा होने से पहले का ही है? अच्छा, पैदा होने के बाद तुम्हारी मेमोरी शुरू होती है ना, पैदा होने के बहुत बहुत बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल। ये मन तो पहले ही है तो फिर इसको जानना संभव टाइम हो गया। क्यों पहले का होगा, कभी का होगा, ये बहुत पहले का है, मुझे क्या पता कब का है, लेकिन मैं इसको जान नहीं सकता क्या, है तो मेरे सामने। ताजमहल को तुम नहीं जान सकते, ये कहोगे कि इतना पहले का है, मैं कैसे जान सकता हूँ? मन टेंजिबल नहीं है क्या? नहीं, मन ओनली इनटेंजिबल इज ट्रुथ, बाकी सब टेंजिबल है, भावनाएं टेंजिबल नहीं होती। तो ये शरीर के पहले आने से पहले अगर मन था तो शरीर के जाने के बाद भी मन रह सकता? शरीर के आने से पहले नहीं, उन्होंने कहा जन्म के पहले, मैंने कहा तुम्हारे जन्म के बाद जो होता है वही मन नहीं है, मन तुम्हारे जन्म से भी पहले का है। तो बुद्धि और अहंकार मन के प्रोडक्ट है? जो पहली दो कोशिकाएं मिलती हैं माँ के गर्भ में, संस्कार वहीं से शुरू हो जाते हैं, जन्म तो 9 महीने बाद होता है। और आप कह रही हैं कि मन अगर जन्म से पहले था तो मृत्यु के बाद भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, पर वो आपका मन नहीं होगा, क्योंकि आपकी तो मृत्यु हो गई, मन बचेगा ये मत सोचेगा कि आपका मन बच गया। आप ललचाती थी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए, आप खत्म हो गई, मन मात्र बचेगा, आपकी कोई सत्ता नहीं बचेगी। जो मन बचेगा वो दोबारा कुछ धारण करेगा या फिर वही? सारे शरीर वही धारण करता है, एक ही मन है, सबका अलग, व्यक्तिगत मन नहीं होते है ना, जब आप व्यक्ति बन जाते हैं तो व्यक्तिगत मन हो जाता है, जब आप व्यक्ति हो जाते हैं तो व्यक्तिगत मन हो जाता है, अन्यथा मन मात्र। मन क्या है? मूल जीव वृत्ति को मन कह सकते हैं, वो सब में एक जैसी होती है, आदमी तो आदमी, पशुओं जानवरों में भी वही होती है। मूल जीव वृत्ति क्या होती है? जीवन बना रहे, जीवन धारण करना ही मूल जीव वृत्ति है, हर वो चीज जो जीवित है वो मन है, मन ही जीवन धारण करता है, लेकिन हर जीव फिर अपना अलग पृथक व्यक्तिगत जीवन जीता है ना, तो उससे फिर व्यक्तिगत मन बन जाता है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके व्यक्तिगत मनों को टटोलें तो ऊपर ऊपर सब में विभिन्नता दिखेगी, इन्हें चाय पसंद है, इन्हें कॉफी पसंद है, इन्हें कुछ और पसंद है, उन्हें कुछ और पसंद है, पर इन सारी बातों में साझी बात क्या है कि सबको कुछ ना कुछ पसंद है। तो ये जो वृत्ति है कि कुछ पसंद होगा कुछ ना पसंद होगा, ये मन है, और चाय पसंद होना या कॉफी पसंद होना ये व्यक्तिगत मन है। व्यक्तिगत मन आपकी मृत्यु के साथ गया, मन मात्र तब तक बचा रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के साथ ही आया था और जब तक अस्तित्व है तब तक रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अस्तित्व का ही नाम मन है, मन ही अस्तित्व है। तो बस क्लोजली मैच हो रहा है आत्मा से, कि आत्मा भी पहले आई थी, व्यक्तिगत हो गई, फिर चल रही थी। आत्मा तब भी है जब अस्तित्व नहीं है, मन सिर्फ तब तक है जब तक अस्तित्व है, आत्मा तब भी है जब समय भी नहीं है, मन सिर्फ तब है जब अस्तित्व अर्थात समय है, और व्यक्तिगत मन तो बहुत ही छोटा है, वो तो सिर्फ तब तक है जब तक 80 साल आप जी रहे हो। आत्मा अनादि अनंत है, मन का आदि भी है और अंत भी है, और व्यक्तिगत मन
वो तो हमारी आंखों के सामने ही पैदा होता है और हमारे ही साथ मर जाता है। जो ईगो होती है सिर्फ इंसानों में होती है, जानवरों में सब में होती है बेटा। जो भी कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे, जो भी कोई जीवित है, उसका नाम अहंता है, अहंकार है। तो जानवर दुखी क्यों होते हैं? तुमसे किसने कह दिया जानवर नहीं दुखी होते? फिर तुम किसी जानवर के साथ रहे नहीं हो। अभी मैं बाहर कुत्तों के साथ खेल रहा था, तुम लोग कबीर साहब गा रहे थे, कितने खुश थे। उसके बाद तो तुम लोगों की चप्पलें उठा उठा के ले गए। पता है तुम्हारी चप्पलें सड़क से बटोर के लाया, नहीं तो लेके भग गए थे अपना खुशी में नाचते नाचते। किसी जानवर के साथ रहो तो पता चलेगा, वहाँ भी होता है ये सब कुछ। इक्विवेलेंट हो ना हो, फीलिंग्स है ना, जीवेशड़ा है ना, जीवेशड़ा समझते हो, जीने की इच्छा। जहाँ जीने की इच्छा है वही हंता है, क्योंकि कौन जी रहा है? जीव जी रहा है। वो कह रहा है ना कि मैं जीना चाहता हूँ, तो बस हो गया, अहंकार आ गया, अहंता आ गई, अहम, मैं जीना चाहता हूँ। प्रकृति का खेल क्यों परेशान हो? इसमें कुछ कोई बहुत बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें दो कोशिकाएं मिली हैं, चैतन्य कोशिकाएं हैं, वो मिलती हैं, वो वही करती हैं जो करने के लिए संस्कारित हैं। तो वहाँ पर रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, दो कोशिकाएं चार बनती हैं, आठ बनती हैं, और खेल आगे बढ़ता है। क्योंकि आप इसलिए थोड़े ही हो कि आप ट्रुथ वगैरह रियलाइज करो। सबसे पहले तो आप एक शरीर ही हो, और शरीर के लिए कोई ट्रुथ वगैरह नहीं होता है। शरीर के लिए तो मिट्टी होती है। शरीर को सत्य नहीं चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सेक्स चाहिए, ये सब शरीर को चाहिए। और आपका तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन किसके साथ है? सबसे ज्यादा शरीर के साथ ही है। और शरीर को सत्य चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको सत्य क्यों चाहिए होगा? आप शरीर हो, शरीर को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, सुरक्षा। तो शरीर को ये सब कुछ चाहिए, तो आपको सत्य क्यों चाहिए होगा? भाई जिन लोगों को सत्य नहीं मिलता, उनको कोई बीमारी लग जाती है क्या? बल्कि वो ज्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं। यहाँ जितने हट्टे कट्टे घूम रहे हो, उन्हें क्या सत्य मिल गया है? शरीर को सत्य चाहिए ही नहीं। बल्कि जितना अक्सर आपको रूपवान शरीर दिखेगा, समझ लीजिए कि सत्य से दूरी उतनी ज्यादा। कोई यदा कदा बिरला अपवाद मिल जाए तो अलग बात। इसी से समझ लो कि शरीर का तो अपना एक अलग हिसाब किताब है। वो कह ही नहीं रहा कि लिबरेशन, आजादी मिले। तो किसको आजादी चाहिए? जो तुम हो, शरीर मात्र थोड़ी ही हो। क्या मैं मन हूँ? पता नहीं तुम कौन। मुझे तो ये पता है कि 9:45 बज रहा है, और रोज खाना कितने बजे खा लेती थी? बताओ बताओ। 9 बजे। शरीर तो मांग रहा होगा खाना, मांग रहा है कि नहीं? हाँ, तो अगर तुम शरीर मात्र हो तो खाना खाने क्यों नहीं बैठ जाती? राघव इधर लाओ, इनके सामने रख देते हैं, देखते हैं खाएंगे कि नहीं। शरीर को तो चाहिए भोजन कि नहीं चाहिए? सही बताओ, चाहिए। तो अभी भोजन वहां पे रखा, उसको खा क्यों नहीं रही? वो तुम हो, अभी तुम्हारा उसी से तादात्म्य है। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम कहो कि हटाओ सब, क्या बातचीत फालतू, खाना का इधर लाओ, तब तुम क्या हो जाओगी? शरीर। जब तुम वो हो जाओ जो अपनी पसंद नापसंद पर भी नहीं चलता, तब तुम मन भी नहीं हो। जब तुम वो हो जाओ जो अपनी प्रकृति पर नहीं चलता, तब तुम शरीर नहीं हो। तो, पसंद या नापसंद तो तुम मन हो।
तो तुम मन हो, और अगर तुम अपने पेट की भूख पर चल रही हो तो तुम शरीर हो। हम अभी जिस अवस्था में हैं, जैसा हम जीवन बिताते हैं, संस्कृति के मध्य, सभ्यता के मध्य, नगर के मध्य, हम शरीर कम हैं और मन ज्यादा है। पशु शरीर ही ज्यादा है। यहाँ तुम एक पशु को ले आओ और यहाँ चल रही बहुत ऊंची बातचीत, तो कहेगा खाना बताओ, इधर रखो, ठीक इधर लाओ। जीवन जीने की इच्छा है तो मान ले, मुझे नहीं लगता मेरे एक्शन से कुछ जीवन जीने में विशेष रुचि के आगे का, मतलब मैं प्लान ही नहीं करता जीवन के लिए। तो तब पता चलेगा जब कोई जीवन ले रहा होगा। केशव निकालना वो। कैसी बातें करा करते हो तुम लोग। कभी यहाँ छोटी सी खरोंच लग जाए, बैंडेड घूमने खोजने निकल पड़ोगे। बेटा बहुत कुछ ऐसे बहुत लोग करते हैं, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे डायबिटीज वाले लोग होंगे जो शक्कर खा लेते हैं, इनको माइग्रेन की दवाई बनाई गई, ये खाती नहीं है। मैं अपनी दवाइयाँ कई बार भूल जाता हूँ, तो इससे थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि मुझमें जीवेशणा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। इससे बस ये सिद्ध होता है कि मैं जीना तो चाहता हूँ पर इतना पगला हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो भी नहीं कर रहा। क्यों अपने आप को वो दर्शा रहे हो जो तुम हो ही नहीं? अभी कोई गर्दन पे चढ़ बैठे हो, गर्दन दबाए तो पता चलेगा कि जीना चाहते हो कि नहीं। अनरेस्ट होगा तो ऑपोजिशन तो आएगा। तो और क्या होता है जीने की इच्छा, और क्या होती है जीने की इच्छा के फिर और कुछ भी करना होता है। यही करना होता है कि जो कुछ मृत्यु ला रहा हो अपनी और उसको हटाना होता है, वो तुम भी करोगे। जीने की इच्छा में और थोड़ी कुछ करता है, अगर जीने की इच्छा है तो कुछ कर रहे हैं क्या ऐसे ऐसे? नाश थोड़ी रहे जीने की इच्छा है। तो जीने की इच्छा तो इसी सिद्ध होगी ना कि जब कोई मारना चाहेगा तो स्वयं को बचाएंगे। मैं सदुपयोग करता हूँ और अगर कोई मुझे अगर मेरा समय को लेना चाहे मैं उसको अपोज कर दूँ, लेकिन अगर मैं खाली बैठा हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँ, समय का सदुपयोग ना करूँ, तो क्या मेरे में समय को सदुपयोग करने की दिलचस्पी हुई? अगर मैं समय खाली ज्यादा देख रहा हूँ तो, और अगर उसका यूज नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारी दृष्टि में वही सदुपयोग है। कितने लोग कुछ ना करने को बहुत बड़ा सदुपयोग मांगते हैं, गोवा काहे को जाते हैं लोग, वहाँ बीच पे पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे हैं और इस बात के हजारों हजारों लाखों लाखों खर्च कर रहे हैं। तुम भी तो ब्रेक लेते हो और क्या करते हो, बाकी टाइम खोपड़ा चलाते हो। कुछ करने का यही मतलब थोड़ी है कि हाथ पांव चलाए जा रहे हैं। ये जो है चक्की चल रही है लगातार, उसका क्या है? लाइफ क्वालिटी बेटर करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो बहुत लोग कुछ नहीं कर रहे, तो आप वोट ले लीजिए इसको। बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे, वोट लेने की बात नहीं है, उनके कर्मों को देखो ना। बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे, तो नहीं, किसी को लग रहा है कि दरअसल में से उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो वो ले रहा है। मैं वो भी नहीं कर रहा हूं, जैसा मैंने समझो तुम्हारी जीवेशणा कहाँ है। इतनी देर से तुम जीवित रहने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं और तुम तर्क दे दे के जीवित रहना चाहते हो, ये है जीवेशणा। न होती तुम में जीवेशणा तो मेरी एक बात पे कहते ठीक, अपने आप को बचाए रखना चाहते हो, यही कहलाती है जीवेशणा, अन्यथा इतने तर्क नहीं आते। ये तुम किसको बचा रहे हो तर्क दे दे के? जिसको तुम बचा रहे हो ना वही जी रहा है, ये जीवेशणा है, इसी का नाम अहंकार है। तो अहंकार कभी मन के साथ होता है तो कभी शरीर के साथ, उसे किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो फिर अहंकार को चाहिए फ्रीडम, और कौन मांगेगा? अहम माने मैं, फ्रीडम और कौन मांगेगा? मैं मांगूंगा या मोबाइल फोन मांगेगा? तो उसे फ्रीडम क्या मन के साथ मिल
रहने से मिलेगा या शरीर के साथ? मन के साथ मिलता हो तो उसके साथ रह लीजिए, तो वो फ्रीडम हो जाएगा। अगर मिलता हो तो जरूर लीजिए, नहीं मिलता ना तो मत लीजिए। तो मैं अगर मेरी लाइफ को देखूं तो मैं या मन के साथ हूँ या शरीर के साथ, बंधी हुई तो मुझे मुक्ति कब मिलेगी? गड़बड़ हो गई। अगर मैं हमेशा या मन के साथ या शरीर के साथ बंधी हुई कैसे मिलेगी और कब? अब जा करके दूसरे दिन की रात को खरे सवाल आने शुरू हुए हैं। अच्छा है, बस इतना जान लीजिए कि इसके साथ भी नहीं मिलेगी और इसके साथ भी नहीं मिलेगी। इसके साथ जो उम्मीद रखी है और इसके साथ जो आशा रखी है, दोनों को हटा दीजिए, यही मुक्ति है। बात मानो ना मानो अलग है, ये जान लीजिए यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ना तो शारीरिक सुख में मिलेगा ना मानसिक सुख में मिलेगा, दोनों के पीछे दौड़ना बंद करिए, यही मुक्ति है। मुश्किल तो कोई इच्छा भी नहीं रखूं। अभी से सोच लीजिए कि इच्छा भी नहीं रखूंगी, ये भी नहीं रखूंगी, तो क्या बचेगा? ठीक रखिए। ये जो सारे आप सवाल कर रही हैं, ये कौन कर रहा है? अहम तो किसी के साथ जुड़ा होता है, अभी किसके साथ जुड़ी हुई है आप? मन के साथ ही जुड़ करके सवाल पूछ रही है कि मन के साथ नहीं रहूंगी तो क्या होगा? तो अगर मैं मन के साथ ना जुड़ू तो मैं हो जाएगा, यही तो शब्द है। क्या पता कन्वे करने की जरूरत ही ना पड़े। कन्वे तो तभी करते हैं ना जब दूरी होती है, सारी दूरियां मन बनाता है। जादू होता है। मन के बिना क्या कर सकते इस दुनिया में? ये सवाल कौन पूछ रहा है? मेरा मन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं जा करके एक हलवाई की दुकान से पूछता हूँ कि तेरे अलावा मुझे खाना कहाँ मिलेगा, तो क्या जवाब देगा? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। तो आप मन होकर के पूछेंगी कि मन ना होते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या जवाब मिलेगा? मैं अपने अहंकार को कैसे बिना एसोसिएट किए? उसका तरीका ये नहीं है कि ये सवाल पूछे कि अगर अहंकार नहीं होगा तो क्या मिलेगा। उसका तरीका है कि पूछो कि जब अहंकार है तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, तो बस इतना काफी है। अब और क्यों पूछ रहे हो कुछ? क्योंकि आगे की सोचने की आदत लग गई है कि ये तो छोड़ दें, पर आगे की तो कुछ गारंटी दो ना। मन भी छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, आगे कुछ मिला नहीं तो। या बाजार में निकली है क्या? इमेजिन करने में डिफिकल्टी ही नहीं है, पाप है। सत्य अचिंत्य है और आप उसको कल्पित करना चाहती हैं। वो अकल्प्य है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। आप तो सिर्फ इतना कह रही हैं कि कल्पना मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ कल्पना असंभव है, पाप है।